हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अजय करमरकर। आज हम करेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा है कि वीडियो कंप्लीट देखें, कॉपी पेन लेकर साथ में बैठें, जहां इम्पोर्टेंट लगे उसे नोट करें और फिर आगे बढ़ें। तो चलिए सबसे पहले हम इंड्यूस्ड ईएमएफ का थोड़ा सा कंसेप्ट अलग से समझ लेते हैं, फिर इसके बाद हम ये क्वेश्चन करेंगे। इंड्यूस्ड ईएमएफ है क्या? इंड्यूस्ड का मतलब होता है इंस्पिरेशन, प्रेरणा। इसका मतलब ये है कि अगर उसने, अब जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि हमारे जो बच्चा है उसको हम किसको इंस्पायर करते हैं कि देखो सामने वाले बच्चे ने कितने नंबर लेकर आया है, तो उसके हिसाब से उसको हम प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर भी प्रेरित करना है भाई, यहाँ पर भी प्रेरित करना है, इंस्पायर करना है। तो मान लीजिए अगर एक ऑयल है और इसे हम किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं, मतलब बैटरी से, तो दूसरी अपनी जो कॉइल है उस कॉइल को अगर हम गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट करते हैं, मैं अलग से बता रहा हूँ, जरा इसको अलग से बता देता हूँ। तो यहाँ पर अगर हम गैल्वेनोमीटर लगा दें दोनों कनेक्शन करके, तो ये डिफ्लेक्शन शो करता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये बी कॉइल, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इसकी वजह से इसमें करंट पैदा हो गया, लेकिन इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। ये बात भी आपको याद रखना है कि इसकी डायरेक्शन अपोजिट होती है और ये इसके चेंज का अपोज करता है, लेंजेस लॉ लगता है। तो लेंज का लॉ क्या है, मैं आपको सवाल करने से पहले समझा देता हूं। लेंजेस लॉ ये कहता है कि अगर किसी कॉइल में जो चेंज करते हैं, उसके पास में जो चेंज करते हैं, वो उस चेंज का हमेशा अपोज करता है। तो उसमें किस डायरेक्शन में करंट पैदा होगा? जो उसका अपोज करेगा। जैसे मान लीजिए एक मैग्नेट है जिसकी डायरेक्शन n टुवर्ड्स कॉइल है। अब मैंने उस मैग्नेट को उस कॉइल के पास में ले गया, तो कॉइल क्या करेगी? उसका अपोज करने के लिए वो डायरेक्शन जनरेट करेगी जिससे उसमें रिपल्शन हो जाए। तो मैग्नेट में रिपल्शन कब होता है? जब लाइक चार्जेस बनेंगे, मतलब ये खुद ब खुद ये n जैसा बन जाएगा, मतलब ये इस टाइप का बन जाएगा, मतलब इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी। और जब ये वापस से मैग्नेट ये दूर जाएगा, ये तो पास में था, अब ये दूर जाएगा, तो इसको क्या करने की कोशिश करेगी? इसमें करंट उस डायरेक्शन बन जाएगा जिससे इसका अपोज, ये अपोज करने लग जाए। अपोज कैसा? दूर जाने के लिए अपोज क्या हो जाएगा? पास में लाना, पास में मतलब ये एस इस टाइप की डायरेक्शन बन जाएगी, मतलब क्लॉकवाइज बन जाएगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है किस प्रकार से इसकी डायरेक्शन होगी। तो हम वन बाय वन ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं, आपके एग्जाम में बहुत पूछे गए, तो इसीलिए आपको ध्यान में रखना है। और दूसरी बात ये कि नीट में भी क्वेश्चन पूछे गए, तो चलिए हम इसको ध्यान में करते हैं कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन होंगे। अब एक बात ध्यान रखना है कि इनको करने के लिए सबसे पहले अपना राइट हैंड थंब रूल वाला, तो राइट हैंड थंब रूल को किस प्रकार से यूज करना है, ये अधिकतर सबको बच्चों को ये पता है कि दिस थंब शोज द डायरेक्शन ऑफ करंट कर्ल ऑफ फिंगर इज मैग्नेटिक फील्ड। पर इसके साथ में एडिशनल अगर आप ऐसा याद रखेंगे तो आप सवाल नहीं कर पाएंगे। इसके साथ में अब क्या करना है मैं आपको वो बता रहा हूं। आप थंब में करंट, जब कंडक्टिंग करंट अगर आपको दे रखा है, तो आप उसका वायर पकड़ करके मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। लेकिन दूसरे में जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तब आपका ये थंब क्या शो करेगा? ये थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड शो करेगा और ये जो आपकी कर्ल ऑफ फिंगर है ये करंट शो करेगा। इस बात का ध्यान रखना। डिक्रीज मैग्नेटिक फील्ड अगर हो रही हो तो अलोंग विथ अपने को मैग्नेटिक फील्ड चलना है, क्योंकि अपने को उसको बढ़ाना पड़ेगा। ध्यान रखिए, वर्ड वही ध्यान रखना है, क्योंकि उसको बढ़ाना है। तो कम वाली चीज में और अपन बढ़ाएंगे कैसे? अगर अपने पास कोई चीज कम है तो उसको बढ़ाएंगे कैसे? खाली करके तो बढ़ाएंगे नहीं, उसमें और अपने को उसमें इनपुट और देंगे तब तो बढ़ेगा ना। भाई आपके पर्स में कम पैसे हैं और उसको अपने को बढ़ाना है, तो क्या खाली करेंगे क्या? उसका उल्टा ऐसा नहीं ना, उसका उल्टा ऐसा होगा, उसको भरना पड़ेगा। हाँ, जो भरा हुआ है अगर उसका, जैसे मान लीजिए इंक्रीज हो रहा है, तो उसको खाली करना है, यहां पर ऐसा होगा। तो इन वर्ड्स को ध्यान में रखना, ये जो वर्ड मैंने बोले हैं, इंक्रीज को क्या करना है, इंक्रीज के तो अपोजिट डिक्रीज होगा, और जो डिक्रीज होगा
उसको इंक्रीज करने के अलोंग विथ करना पड़ेगा। देखिए कैसे करना है, अब अपने को इन वर्ड्स को अब आपको समझ में आ जाएगा, मैं प्रैक्टिकली करवाऊंगा तब समझ में आएगा। पहला डायग्राम हम देखते हैं, ये डायग्राम मैंने ऐसा था, यहाँ ये डायग्राम ऐसा, अभी हम इस पर कोई डायग्राम कोई वो नहीं बनाते हैं तो ज्यादा अच्छा बेटर होगा आपको समझ में। देखिए सबसे पहले यहां पर एक कॉइल लगी हुई है, ये आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है और ये क्या बता रहा है, डिक्रीजिंग, मतलब करंट घट रहा है। ठीक है, करंट घट रहा है इसका क्या मतलब है, करंट घट रहा है तो बायो सेवर्ट ला में म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसका मतलब यह है कि B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब जितना अगर करंट कम हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी कम हो रही है ना। पहले डायरेक्शन देख लेते हैं फिर बात करेंगे, एक एक बात अच्छे से समझना है। सबसे पहले इस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं क्या करूंगा, इसको पकड़ूंगा, है ना, पकड़ेंगे कैसे, ऐसे। अब मेरी कर्ल ऑफ फिंगर किस तरफ जाएगी, मतलब इनवर्ड, देखिए अपनी अंदर की तरफ जा रही है, अब ये हो गया क्रॉस, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड घट रही है। मैंने भी आपको क्या कहा था, कोई चीज घट रही है तो इसमें इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन उस तरफ होगी जिधर ये इफेक्ट नेग्लिजिबल हो जाए, या ये इफेक्ट कम, मतलब इसका अपोजिट, तो मतलब अपने को बढ़ाना है, ये कम हो रही है इसका मतलब अपने को मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना है, तो बढ़ाना मतलब अलोंग विथ करना पड़ेगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि जब मैग्नेटिक फील्ड की बात हो तो अपने को अपना थंब यहां पर अब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, अब ये आपका मैग्नेटिक फील्ड बताएगा और करला फिंगर करंट बताएगा, तो अब अपने को बढ़ाना है, मतलब अलोंग विथ चलना पड़ेगा क्योंकि इसमें अपने को बढ़ाना है, उसी की डायरेक्शन में करना पड़ेगा। तो अब मैं अपना थंब यहाँ पर बोर्ड पर गड़ा देता हूँ, तो मेरी उंगली किस तरफ चल रही है, मेरी उंगली ऐसे चल रही है, तो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज। ठीक है, तो ये क्लॉकवाइज हो गया, यहां तक क्लियर हो गया। सेकेंड पर चलते हैं, अब सेकेंड पर भी क्या होता है देखते हैं, ये करंट इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, करंट इंक्रीज हो रहा है तो अब वो भी ध्यान रखना है, अपने को क्या करना है, अब इसके अपोजिट चलना पड़ेगा, इंक्रीज हो रहा है, पहले अपन अब वायर को ऐसा पकड़ेंगे क्योंकि डायरेक्शन अपने को ऐसे ही रखना है ना, ये ऐसी पकड़ी, तो अपने पास ये जो मेरी फिंगर है इनकी टिप किस तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, मतलब डॉटेड, ये डॉटेड हो रही, अब डॉटेड हो रही है तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके इफेक्ट को कम करने के लिए, मुझे इसके इफेक्ट करने के लिए ये फील्ड को इंड्यूस जनरेट बताने के लिए इसमें अपोजिट होगा, क्रॉस हो जाएगा, क्रॉस फिर देखिए ये मेरी अब क्रॉस, मतलब मैं अपना थंब बोर्ड पर फिर गड़ा देता हूं, वापस से इस केस में भी आपकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी, ये क्लॉकवाइज होगी। ठीक, चलिए तीसरे केस पर चलते हैं, तीसरे केस पर क्या हो रहा है, अब आपके करंट कोई इंक्रीज नहीं हो रहा है, नहीं कोई डिक्रीज हो रहा है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो अब क्या हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इसमें, लेकिन अब इसमें यहां पर क्या दे रखा है, इसका मूवमेंट दे रखा है, मतलब इसको खिसकाना है, इसको ये खिसक रही है, मैग्नेटिक फील्ड से कम हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है, तो अपने पहला केस कैसा था, मैग्नेटिक फील्ड कम हो रही है मतलब अलोंग विथ, तो अपने को उसके साथ चलना है, तो फिर वापस से अगर इसको बढ़ाना है तो फिर अपने क्या करना, अपना थंब इसके साथ में, क्योंकि ये इनवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर अपने को इस प्रकार से करना पड़ेगा, तो ये भी आपका क्लॉकवाइज हो जाएगी, ये क्लॉकवाइज हो गई। यहां तक मेरे ख्याल से आपके दिमाग में बात आ गई होगी। चलिए अगला नेक्स्ट, यहां पर आपका करंट विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम और करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और डायरेक्शन कौन सी है, चलिए डायरेक्शन देख लीजिए जरा, इसमें आपने ये थंब है और आपकी ये फील्ड इस प्रकार से, जरा देखिए इस प्रकार से, तो आपकी फिंगर का कर्ल इस तरफ आ रहा है,
यानी इस प्रकार से घूम करके इस प्रकार से जा रहा है, मतलब ये क्रॉस, ये क्रॉस हो रहा है और ये बढ़ रहा है, तो अपने को घटते हुए मतलब अपोजिट डायरेक्शन में, तो अपना डॉटेड वाला डायरेक्शन अपना होगा इंड्यूस्ड के लिए। डॉटेड वाला मतलब हम जो है वो आपकी तरफ, तो ये अपना करला फिंगर इस तरफ चल रहा है, तो ये क्या हुआ एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। चलिए यहां पर समझ लेते हैं, नेक्स्ट समझ लेते हैं, नेक्स्ट में क्या हुआ विथ रिस्पेक्ट ऑफ बी, इसमें कुछ नहीं दिया, अब मैग्नेटिक फील्ड है, वहां करंट दे रखा था या मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है, डायरेक्टली दे रखी है, क्योंकि करंट से हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते थे और मैग्नेटिक फील्ड के बाद इंडक्शन निकालते, इन्होंने मैग्नेटिक फील्ड पहले दे दिए। मैग्नेटिक फील्ड एरो का साइन है मतलब बढ़ रही है ना, बढ़ रही है, और क्रॉस का साइन, क्रॉस का साइन मतलब बढ़ रही है किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, थंब है मेरा, ध्यान रखिए क्रॉस का मतलब इनसाइड होता है, डॉट का मतलब आपकी तरफ है ना, मतलब मैंने कैमरे की तरफ किया हुआ है मतलब आपकी तरफ किया हुआ है, तो थंब इस तरफ हो जाएगा, तो अभी ये क्रॉस में है तो बढ़ रहा है, इनसाइड बढ़ रहा है, तो इसका मतलब ये डॉटेड। और याद रखिए ये छोटी वाली कॉइल है या बड़ी वाली है, बड़ी वाली में चेंज पहले होगा क्योंकि एरिया ज्यादा है, और आपको पता है कि यहां पर भी उल्टा होगा, मैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ इसके बराबर होता है बी एल वी, एक तो ये और आपका फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फ्लक्स क्या होता है आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया, तो एरिया में पहले चेंज होगा, तो यहां पर क्या होगा, तो ये आपका क्रॉस था और क्रॉस आपका बढ़ रहा था, तो इसमें डॉटेड वाला बनेगा, और डॉटेड वाला बना मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज होगा इसके अंदर, ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा मतलब इस डायरेक्शन में आएगा, अब ये चूंकि कॉइल पूरी एक है सिंगल है तो इसमें कोई चेंज होने के आसार तो है नहीं, ठीक है, तो ये हो गया आपका इस प्रकार से, तो चलिए ये हो गया। अब अपन आते हैं अगले मुद्दे पर, लास्ट वाला, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे कि वैसे लेकिन थोड़ा सा चेंज, चेंज क्या है वो देख लीजिए, ये भी मैग्नेटिक फील्ड आपकी बढ़ रही है, इसमें भी आपको क्रॉस का साइन बताया है, क्रॉस का साइन बताया है तो अपने को अपसाइड लेना है, अपसाइड मतलब ये डॉटेड वाला, डॉटेड लाना है मतलब, अब फिर देखिए डॉटेड मतलब थंब आपकी तरफ, ये आपका बनेगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये हो जाएगा आपका क्लॉकवाइज, इनसाइड वाली, इनसाइड वाली क्लॉकवाइज हो जाएगा, तो इस प्रकार से अपने इंड्यूस्ड ईएमएफ की डायरेक्शन का कंसेप्ट अच्छे से समझ लिया होगा। इसमें से बहुत सारी बातें ये पूछी जाती है, आप इसको ध्यान में रखिए।